सबसे हाँ जय बोले हाँ जी। और मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे ओम शिव शक्ति सेवा मंडल दिल्ली चीका से हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी दो शब्द जो है वो आशीर्वाद के रूप में कहेंगे। हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी तालियों के साथ स्वागत करें। सैबलों के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं और हर जगह पे हर मोड़ पे सेवा करते हैं। ये करा वीर बजरंगी जोश दिखाइए, यात्रा भी और आगे बढ़ानी है। सुभाष मेरी मुलाकात हुई कंडक्टर सबसे, कहते आप इतना जोश भर दो कि यात्रा और बढ़े। बोली शंकर भगवान की। मैं तो आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसी भी सेवा हमसे हो, मन से तन से धन से तो हम करते ही करते हैं, एक विचार और तालमेल के साथ भी करें, क्योंकि आप और हम एक दूसरे के पूरक हैं। स्लाइड बोर्ड हो चाहे पूरा सिस्टम हो, आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही अभी महेंद्र साहब ने कि यात्रा में यात्री तो हो, कम से कम सेवा के लिए हम तैयार बैठे हैं, पूरे पूरे तैयार बैठे हैं। बोली शंकर भगवान की। मैं कुछ मेरे भाइयों से माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। हमारे शिव सेवा संघ बरनाला से हमारी शर्मा जी आए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा और क्षमा चाहूंगा। और हमारे श्री शिव शक्ति सेवा मंडल से हमारे मागी जी आए हैं और शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाडा से हमारे परविंदर हैप्पी जी आए हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे परमादरणीय सैबलो के जनरल सेक्रेटरी हमारे आदरणीय विजय मेहरा जी दो शब्द जो है आकर के कहेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें। सैबलों के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं और जितनी भी हमारी ड्राफ्टिंग है, जो भी हमारा कागजी कार्रवाई है, वो हमारे सारा साल जो है वो हमारे श्री विजय मेहरा जी करते हैं। जय बोले जय करा है वीर बजरंगी, जय करा है वीर बजरंगी, जय करा है वीर बजरंगी। सब लोग ही इस मीटिंग में सभा में आए हुए सब लोग के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही श्राइन बोर्ड के कैंप डायरेक्टर फोर्सेस के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्षों की भांति थोड़ा इस बार दिक्कत परेशानियां जरूर रही, लेकिन फिर भी हमने सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक कामयाब हुए। शहर में बैठ के अपने अपने घर में बैठकर सिर्फ यहाँ की खबरें पहुंचती थी, संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ठीक मैं वापस आया हूँ 20 दिन के बाद। पहले 15 दिन यही था यात्रा के शुरू होने से, और वास्तव में जो काम स्टेट पुलिस ने श्राइन बोर्ड ने और जितनी मशीनरी यहाँ पर भंडारे वाले जो उन्होंने काम किया वो देख के पता लगता है। अभी भी कुछ परेशानियां कुछ दिक्कतें हैं जो भंडारे वालों की चलती रहेंगी, चल रही हैं पिछले वर्षों की बात। हम हर साल रिक्वेस्ट करते हैं श्राइन बोर्ड को उनको दूर करने के लिए, वो चलती रहेगी। अपने शब्दों पर विराम लगाते हुए मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं लखनऊ भंडारा से सेवादार आए हैं, मैं माफी चाहूंगा और हमारे और भी जो भी सेवादार में यहाँ पहुंचे मैं उनसे क्षमा, हमारे सनाम भंडारा से सेवादार आए हैं मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ से हमारे राजेंद्र सिंह जी तालियों के साथ स्वागत करें, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और दो शब्द जो है सैबलों के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं। हमारे राजेंद्र सिंह जी कृपया आए और हमारे मिलिट्री के शिव साहब मैं हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ स्वागत करें। आओ जी जो ड्राइवर है जो गाड़ी में
ओम त्रिलोकी के स्वामी, ओम त्रिलोकी के स्वामी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी। मंच में विराजमान दिल्ली से आए हुए एमएलए साहब, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, शाइन बोर्ड के और बीएसएफ के सीओ साहब, आर्मी के सीओ साहब और मेरे तमाम साथी जो भी यहाँ विराजमान है, मैं सब लोग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगा कि जब होगा आपका और हमारा साथ, मतलब शाइन बोर्ड का और भंडारों वालों का, जब होगा आपका और हमारा साथ, तब बाबा अमरनाथ बर्फानी का होगा हमारे सर पर हाथ और हम पहुंचेंगे अमरनाथ। तब ही पहुंचेंगे जब साथ होगा। तो इसके साथ ही मैं बस ज्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे गोयल जी को और उनके साथी को, हमारे आदरणीय साहू जी, यहाँ जितने भी विराजमान है सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज सैकड़ों के ऑफिस में कुर्सियों की भी कमी पड़ गई, वो शंकर भगवान की। तो बेसिकली बात ऐसी है कि जिन जिन भाइयों को ये बात पता लगी कि महिंद्र जी आ रहे हैं साथ में, महिंद्र गोयल जी आ रहे हैं, तो मतलब कि वो अपना भंडारे को सेवादारों को संभाल के भी, भैया आप खाना वाना खिलाओ, हम थोड़ा आ रहे हैं। तो आपके साथ भी प्यार थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कि सभी का प्यार है सभी। और मैं क्षमा चाहूंगा हमारे कपिल कपूर जी से के समय देने का, और सरहंद भंडारे से आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा और क्षमा चाहूंगा। और खास तौर पे मैं हमारे ज्ञानगिरी, बाबा ज्ञानगिरी जी भंडारे से, धर्मशाला से, हमारे कार्तिका जी, कार्तिक जी तालियों के साथ स्वागत करें। और हमारे पप्पू लाला जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन सब लोगों की तरफ से, और क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। और मैं अब इसके बाद जो माइक है, दो शब्द जो है हमारे आदरणीय सुखबीर दलाल जी कहेंगे। जय भोले, जय भोलेनाथ जी। सबसे पहले मैं और सेवलो के पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी, क्योंकि अब सबसे भक्त है, और महेंद्र गोयल का तो मैं बार बार धन्यवाद यूं करता हूं, क्योंकि मैं यहां तक दो बार पहुंचने के बाद भी बाबा के दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन अब की बार महेंद्र भाई ने मेरे को इतना उत्साह दिया, मैं भी बाबा के दर्शन करते कर इनके साथ हो गया। इसलिए महेंद्र भाई का दो बार धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं एक बार 13 में भी आया, उससे पहले 12 में भी आया, लेकिन दोनों बार मैं यहीं से भंडारे का लंगर लेके वापस चला गया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो इसलिए मैं आप लोगों का प्यार देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे अंदर भी उत्साह बढ़ गया, क्योंकि भगवान, मैं कल तो कह रहा था कि मुझे हिम्मत नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर मुझे दोबारा ये आने की कोशिश करूंगा, और बाबा अमरनाथ के मैं भी बार बार दर्शन करूंगा आपके साथ में। दूसरा, अभी महेंद्र भाई ने ये कहा था ना तालमेल, क्योंकि इनका खट्टा मीठा कुछ होगा अपना, वो इन्होंने बताया था प्रशासन के साथ, लेकिन मुझे तो तालमेल शब्द याद आ रहा था। मैंने महेंद्र भाई को ये गुजारिश करूंगा, भाई प्रशासन से तुम मेल बनाए रखो और ताल अपनी ठोकते रहो, ये सबसे बड़ा, इसी तरह प्रशासन का काम होता है, भाई मेल आपसे बनाए और अपने अधिकारियों से ताल ढोकते रहे, हमने वो कर दिया वो कर दिया। तो ये तालमेल शब्द मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, और मैं यही गुजारिश करूंगा इस तालमेल शब्द को इतना बढ़ाए कि पता ही नहीं लगे कि हम पदाधिकारी हैं, हम सेवादार हैं। और इससे मैं आगे के लिए भी ये करूंगा, शिव भक्तों के लिए तीर्थ यात्री, जैसे दो तीन दिन में ये होगा ना, मीडिया कुछ दिखाता है उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन भगवान अमरनाथ के वहाँ बहुत पुकार है, और दिल्ली से यात्रियों की तीर्थ यात्रा जो लगी, लंबी कतार लगती रही, और गुजारिश करूंगा आपका सहयोग इतना मिले, मैं दिल्ली में जाकर मैं भी ये कहूँ भाई अगले साल भंडारे में भी 10 दिन लगा के आऊंगा। धन्यवाद। और हमारे आदरणीय एमएलए साहब